कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में जमकर हंगामा किया। युवा कार्यकर्ता का आरोप है कि पर्यवेक्षक पक्षाघात कर रहे हैं, सही ढंग से चुनाव नहीं करवा रहे। कार्यकर्ताओं ने मांग की चुनाव को रद्द किया और साथ ही सही ढंग से फिर से चुनाव हो इस बात को आगे रखा। राहुल गांधी जी के द्वारा पूरे भारत में चुनाव प्रक्रिया सिस्टम एनएसयूएम में जारी था, परंतु बिहार में जो चुनाव प्रक्रिया चल रहा था उसमें एक खास प्रत्याशी के पक्ष में पीआरओ के द्वारा सेटिंग गेटिंग कर फेम को भी गुमराह में रखा गया, जेडारो को भी गुमराह में रखा गया और जेडारो महोदय को गलत वोटर लिस्ट दिया गया, नेट पे गलत वोटर लिस्ट प्रकाशित किया गया। इस तरह से राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए, एनएसयूआई को बदनाम करने, कुछ ऐसे लोग एनएसयूआई में घुस गए जो पूरी प्रक्रिया को धांधली के रूप में चला रहे हैं। इस प्रक्रिया को आज जो चुनाव हुआ है बेगूसराय और छपरा में 381 वोट बेगूसराय में बनाया गया था, जबकि यहाँ पर 193 वोट पोल किया गया, पूरी एक वोटर को 15 मिनट वोट कराने के लिए लिया गया, जबकि छपरा में 180 वोट था, 140 वोट वहां करवाया गया, वहां ना आई कार्ड चेक किया गया ना आधार कार्ड चेक किया गया। इससे पता चलता है कि किसी खास व्यक्ति को लॉबिंग करके फर्जी लोगों को संगठन में जगह देने का काम पीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। 4 बजे से थोड़ा पहले आसपास 10 मिनट के लिए नामांकन क्या है, बाहर से बहुत आदमी आए जिसका पास लिस्ट में नाम नहीं है, वो इंसिस्ट कर रहा था उनको वोट डालने देना, जो हमारा लिस्ट गलत है उनका लिस्ट ठीक है, तो ऐसे शोर मच रहा था जो इलेक्शन कराना मुश्किल हो गया था, तो हम सोचा था उसी टाइम में इलेक्शन चलाना ही मुश्किल होगा, बंद कर देंगे। लेकिन जब थोड़ा सा सिचुएशन ठीक, कोडरमा समेत दूसरे राज्यों में डॉक्टर पर हुए हमले को लेकर डॉक्टरों में असुरक्षा की भावना पनपने लगी है। कोडरमा के सरकारी डॉक्टर अब इलाज करते वक्त खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक व्यक्ति की मौत के बाद कोडरमा सदर अस्पताल में रात में ऑन ड्यूटी डॉक्टरों पर मृतक के परिजनों ने हमला बोल दिया था। वहीं महाराष्ट्र में भी डॉक्टरों के हमले के खिलाफ आईएमए की कोडरमा इकाई ने भी डॉक्टरों का विरोध किया था। कोडरमा सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग खत्म होने के बाद दिसंबर में सुरक्षा के नाम पर एक भी गार्ड या पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं रहती। ऐसे में असुरक्षा के बीच उन्हें किसी मरीज का इलाज करने में असहजता होती है। भय वातावरण में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आदमी की कमी है और आउटसोर्सिंग भी नहीं है, कोई सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है, तो ऐसी अवस्था में भय मुक्त वातावरण नहीं होगा तब तक डॉक्टर को काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सीएस से या सभी पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि आप प्रशासनिक पदाधिकारी से बात कर कम से कम शाम के समय 3-5 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक कोई सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराया जाए। सबसे बड़ा अस्पताल जिले में रात में एक यही अस्पताल है जहां की इमरजेंसी मरीज का ढंग से इलाज किया जाता है और हर मरीज को यहाँ इमरजेंसी मरीज आता है, तो यहाँ तो रात में और अन्य समय में और अच्छी व्यवस्था रहनी चाहिए सुरक्षा की भी, तो एक अच्छा इलाज करने के लिए चिकित्सक को भय मुक्त होना जरूरी है। भयाक्रांत चिकित्सक अच्छे ढंग से इलाज नहीं कर सकता और ये आम जनता को